भारत के कोने कोने से अक्सर मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। उसमें चाहे आपका फिजिकल की बात हो या आपके मेडिकल की बात हो, यहाँ पर मुझसे हर तरह के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेगुलर। व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के आंसर मैं आज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप धैर्य बना करके देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स की टेंशन दूर होने वाली है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ, बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चंस पे आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैंने हमेशा की तरह ही एक पीडीएफ यहाँ पे तैयार करके रखी है क्वेश्चंस की, तो उस पीडीएफ में 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं पहले से ही, ताकि मैं आपको वन बाई वन बिना कोई गलती किए सारी चीज़ें बता सकूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे पास एक सवाल आया, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पहला सवाल यहाँ पर मेरे सामने आया, पीईटी एडमिट कार्ड हो गया है तो क्या करना चाहिए। देखिए जरा, पीईटी एडमिट कार्ड जिन जिन का खो गया है तो उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी आपको यहाँ पे आंसर दूंगा वो आंसर विभागीय जानकारी के आधार पर मैं आपको देता हूँ, चाहे वो डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई बात हो या फिजिकल या मेडिकल से जुड़ी हुई बात हो। तो यहाँ पर जो पहला सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि पीईटी एडमिट कार्ड खो गया है, क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। पीईटी एडमिट कार्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, घबराना नहीं है, ये वीडियो देखिए और अपनी टेंशन खत्म करिए। आपको ये वीडियो उन साथियों तक भी शेयर करना है जिन लोगों का मेडिकल या जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ताकि उन्हें फेस ना करना पड़े कोई भी ऐसा इशू। अगला जो सवाल मेरा यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, अगला सवाल मेरा क्या होने वाला है यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अगला सवाल क्या है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और बहुत ज़्यादा छात्रों ने मेरे से ये सवाल पूछा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि फॉर्म में आधार नंबर गलत हो गया है। मेरे पास एक क्वेरी आई, क्वेरी ये थी कि एक लड़के ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर जो मेरा फॉर्म है उसमें फर्स्ट पेज पे आधार नंबर सही है, लेकिन सेकंड या थर्ड पेज पे आधार नंबर गलत हो गया है। तो ये क्वेरी मैंने स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा डीवी ऑफिस में एक अपने साथी को सेंड की, तो उन्होंने मुझे बताया उस जानकारी के आधार पर उनका आंसर क्या था कि आधार नंबर इतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड नंबर अगर आपका गलत हो गया है तो भी आपको कैंसिल वहाँ पे नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रद्द नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको बाहर नहीं करेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा सवाल ये है, ये भी मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये भी आप लोगों के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें, ये गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट से होती रहती हैं। ठीक है, ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे भी बाहर नहीं करेंगे, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, अक्सर होता क्या है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर आपका पीईटी का एडमिट कार्ड आपसे लाने के लिए बोला गया होता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ग्रुप डी फॉर्म अगर आपका खो गया है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके कैंडिडेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लास्ट में मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी वो लोग बख्शीश नहीं करते हैं, यानी कि अगर उन चीज़ों में गलती पाई गई तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, अगला जो मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए सोचा है कि क्या होगा और जो मुझसे पूछा गया है, सवाल है आपका ये, देखो आप सभी को पता है कि कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो वहाँ पड़ती है, कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन एक मेरे पास सवाल आया कि इनकम सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा नो, इनकम सर्टिफिकेट आपसे वहाँ पर नहीं मांगा जाता। हाँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा जाता है वो SC, ठीक है, ST, ठीक है, OBC कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। UR जो कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी होती है, उन्हें कोई कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की वहाँ पे या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक
है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे अपना एक स्पेशल फॉर्मेट देता है, रेलवे के फॉर्मेट पर ही बनवा के लेके जाना होता है। यानी कि जो रेलवे फॉर्मेट है वो सेंटर का सर्टिफिकेट मांगता है, केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। अब आपको दो सर्टिफिकेट ले आने होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे, एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी आप वहाँ पे लेके जाएं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी ध्यान रखनी है आपको। अगला जो मेरा सवाल यहाँ से निकल के आता है, अगला क्वेश्चन क्या ज़्यादातर मुझसे पूछा गया, हाँ देखिए यहाँ पर मैंने वो चीज़ें नोट कर ली हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनको बिल्कुल भी आपके सामने ढिलाई से नहीं लिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं? डीवी में आपका नाम हो गया, ठीक है, जो आपका नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10th की मार्कशीट लगाई, साथ में आपने 12th की मार्कशीट लगा दी, ठीक, और साथ में आपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए। तो जब एक बात देखिए, जब आप एक ही व्यक्ति हो, आप एक ही एस्पायरेंट हो, तो आपके सभी दस्तावेजों में आपका नाम भी सेम होना चाहिए। तो जितने भी दस्तावेज आप वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं उन सभी दस्तावेजों में आपका नाम हूबहू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह आपका नाम प्रवीण है और दूसरे डॉक्यूमेंट में प्रवीण कुमार है, नहीं, आपको दो काउंट किया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट में अगर प्रवीण है तो दूसरे में भी आपका नाम प्रवीण ही होना चाहिए, ठीक है। नाम को लेके कोई ढिलाई वहां पे नहीं बरती जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें यहाँ पर दूसरा आती है डेट ऑफ बर्थ। फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति एक है तो एक व्यक्ति की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपके हर डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में अगर गड़बड़ पाई गई तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी रिक्वेस्ट कर लेना, एक्सेप्ट आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ निकल के आती है पेरेंट्स नेम। एक ही व्यक्ति के पेरेंट्स के नाम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, पेरेंट्स के नाम भी हर डॉक्यूमेंट में सेम होने चाहिए। यानी कि ये जो तीन चीज़ें आपके सामने हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नाम, ये वो चीज़ें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। इनके अलावा अगर कोई दूसरी आपकी प्रॉब्लम है तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इनमें कोई भी ढिलाई आपकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये नॉलेज मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरा खुद का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर और बहुत सारे भारत के कोने कोने साथियों से पूछे गए सवाल के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट और काम का वीडियो है। अगर आप कोई इससे हेल्प मिली, आप इसे लाइक करिए, अपने साथी तक शेयर कीजिए, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप उसको कमेंट कीजिए। हमेशा मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ समा चाहता हूँ आपसे जाने का, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।